मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कल्पना मैम, टीचर ऑफ यू के जी क्लास एट MLP स्कूल राजपुरा। टूडे माई टॉपिक इज हिंदी रेम्स। माई पोयम नेम इज हाथी राजा बहुत बड़े। सो लेट्स स्टार्ट। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहां चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटरपटर। वंस अगेन, हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहां चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटरपटर। वंस अगेन रिपीट, हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहां चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटरपटर। थैंक यू, बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कल्पना मैम, टीचर ऑफ यू के जी क्लास एट MLP स्कूल राजपुरा। बेटा आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट में कहानी सुनाऊंगी, चालाक खरगोश। और बेटा आप इस कहानी को मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? चलिए। जंगल के राजा शेर से सभी जानवर परेशान थे। मतलब एक जंगल था और उसमें एक है ना शेर रहता था, और वो क्या था, शेर जंगल का राजा, और उससे सभी जो जानवर थे वो परेशान थे। एक दिन सभी जानवर ने शेर के पास जाकर विनती की कि वो उसकी रक्षा करे। मतलब एक दिन सभी जानवर किसके पास गए, शेर के पास, और उससे जाकर बोले कि वो सभी जानवरों की रक्षा करे, क्योंकि वो क्या था, जंगल का राजा। मैं आज के बाद किसी भी जानवर को नहीं मारूंगा। जब सभी ने उनसे बोला कि आप हमारी रक्षा करना, तो शेर ने सभी जानवरों से क्या बोला कि मैं आज के बाद किसी भी जानवर को नहीं मारूंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे हर दिन एक जानवर भोजन में चाहिए। उसने एक शर्त रखी कि उसे एक जानवर डेली चाहिए, ठीक है, वरना मैं सब मतलब सबको मार दूंगा। सभी जानवर उसकी बात मान गए, सभी जानवर ने उसकी बात मान ली। एक दिन खरगोश की बारी आई। एक दिन किसकी बारी आई, खरगोश की। मतलब एक एक करके सबकी बारी आती रही, तो एक दिन किसकी बारी आई, खरगोश की। वह बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। वो जो खरगोश था वो बहुत देर में शेर के पास पहुंचा। उसे वो परेशान हो गया कि आज मेरी मतलब शेर मुझे खा जाएगा और मैं मतलब मर जाऊंगा, तो वो बेचारा बहुत देर में उसके पास पहुंचा। शेर गुस्से से बोला, ठीक है, जब वो देर से पहुंचा तो शेर उससे गुस्से से बोला, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी, कहां लगा दी। ठीक है, उससे बोला कि तुमने आने में इतनी देर कहां लगा दी, कहां है वो। ठीक है, कहां है वो। महाराज रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था। तो क्वेश्चन था कि वो मतलब कहाँ है वो, मतलब जब उसने उसकी राहत वो बहुत देर हो गई तो उसने बोला कहाँ है वो। तो खरगोश ने क्या कहा, महाराज रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था, वह कहता है जंगल का राजा मैं हूँ। मतलब उसने उपाय, देखो कितनी अच्छी मतलब युक्ति सोची कि उसने अपने दिमाग लगाया। उसने कहा महाराज रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था और वह कहता है कि जंगल का राजा मैं हूं। वह शेर को एक कुएं के पास ले गया। उस जो खरगोश था उस शेर को कहां लेके गया, एक कुएं के पास। महाराज वह इसी कुएं में रहता है, और उसने शेर से कहा कि वह इस कुएं में रहता है। ठीक है, खरगोश ने किसे कहा, शेर से, कि वह इस कुएं में रहता है। शेर ने कुएं में अपनी परछाई को देखा। जब शेर ने उस कुएं में झांका तो उसको क्या दिखाई दी, अपनी परछाई, और कुएं में कूद गया। और उसने इतना मूर्ख था, उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया और कुएं में छलांग लगा दी। ठीक है, देखा कितना अच्छा उपाय लगाया खरगोश ने, अपनी जान बचा ली और सभी जंगल के जो जानवर थे सभी की जान बचा ली, है ना। शेर ने कुएं में अपनी परछाई को देखा और कुएं में कूद गया, मूर्ख था ना वो। तो इस तरह खरगोश ने अकलबंदी से अपनी और सभी जानवरों की रक्षा की। तो इसीलिए कहते हैं अकलबंदी से काम लेना चाहिए, ठीक है।
इससे देखो हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है, धैर्य रखना चाहिए, अकलबंदी से काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये आज हमारी है चालाक खरगोश। उसने चालाकी से काम लिया सोच समझकर, और सभी अपनी भी और सभी जंगल के जानवरों की रक्षा की। तो बेटा ये स्टोरी आपको लर्न करनी है, ठीक है, और रीडिंग करेंगे घर पे सब, मम्मी के साथ या पापा के साथ सभी बच्चे बुक रीडिंग करेंगे। चालाक खरगोश ये स्टोरी मैं सभी से सुनूंगी, ठीक है। ओके बेटा, बाय, सी यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय सेल्फ सुषमा मैम, टीचर ऑफ यूकेजी क्लास एट एमएलपी स्कूल राजपुरा, सब्जेक्ट हिंदी में। बेटा आज हम अपना ये पेज करेंगे राइटिंग बुक में, पेज नंबर 27, जो आज हमें कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क है, आपको पूरा ये फिलअप करना है। मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे डॉट डॉट दिए हुए हैं, हमें इन्हीं के ऊपर से पेंसिल फिरानी है। बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे, ये देखिए, घर, घर, ये बीच वाली तीन लाइनों में लिखना है, चे ले घर, चल बोल बोल के आपको कंप्लीट करना है, खे ते खत, पे ढे पढ़, खत पढ़, फल चख, चे ख चख, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वाली लाइन में यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिए रखे, बीच वाली थ्री लाइनों में हमें सिर्फ लिखना है, घे रे घर, चे ले चल घर, चल खे ते खत, पे ढे पढ़, फल चख, चे खे, इस तरीके से बेटा आपको ये पूरी फिलअप करनी है। ये देखिए नीचे बोल बोल के लिखना है आपको, से चे सच के है, सच कह जल, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग करनी है बेटा आपको, भे रे भर, जे गे जग रख, बहुत सुंदर राइटिंग करनी है बेटा आपको, और पूरा पेज इस तरीके से आपको फिल करना है। ओके बेटा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुषमा मैम, टीचर ऑफ यूकेजी क्लास एट एमएलपी स्कूल राजपुरा। देखिए बेटा, सब्जेक्ट इंग्लिश में आज हम करेंगे राइटिंग पेज, जो पेज नंबर है हमारा 4। देखिए नीचे लिखा हुआ है 4, ये इधर 4 वाला पेज आज हमें कंप्लीट करना है। ये क्या लिखा है, एल तक कल हमने कंप्लीट कर लिया है, आज करेंगे हम एम से और आर तक। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए डॉट डॉट दिए हुए हमारे, हमें इन्हीं के ऊपर से बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में पेंसिल फिरानी है, बोल बोल के इस तरीके से, एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरीके से ऊपर की तीन लाइनों में लिखना है। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा राउंड राउंड, इस तरीके से एम एन ओ पी क्यू आर, एम
एन ओ पी क्यू आर। बेटा बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में ये आपको पेज पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा, डेली अपना एक पेज आपको कंप्लीट करना है। ओके बेटा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ कल्पना मैम, टीचर ऑफ यूकेजी क्लास एट एमएलपी स्कूल राजपुरा। टुडे माय टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन, सब्जेक्ट मैथ। बेटा आज मैं आपको सब्ट्रैक्शन कराऊंगी। पहले मैंने आपको एडिशन कराए थे 2 डिजिट के, और आज मैं आपको 1 डिजिट के सब्ट्रैक्शन कराऊंगी। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट सब्ट्रैक्शन। देखिए साइन किस चीज का है, ये साइन होता है माइनस का, घटाना मीन्स काटना। ओके चलिए ये देखिए, ये ऊपर कितना है 4, कितनी डिजिट है 4, और नीचे 2, और ये साइन है हमारा सब्ट्रैक्शन का। ओके ये साइन है सब्ट्रैक्शन। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, देखो कितना इजी तरीका बताती हूँ। ऊपर कितना है 4 और नीचे 2, तो पहले हम यहाँ पे 4 लाइंस खींचेंगे, 1 2 3 4। नीचे नहीं करनी क्योंकि इसको हमें काटना है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, माइनस करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास 4 बॉल्स हैं, देखिए ये कितनी बॉल्स हैं हमारे पास 4, ठीक है। अब इसमें से मैंने 2 बॉल्स एक बच्चे को दे दी, ठीक है, 2 बॉल्स मेरी बच्चे को दे दी या खो गई, ठीक है। तो मेरे पास कितनी बची 1 2, कितनी बची 4 में से 2 मैंने काट दिया, मतलब वो खो गई है, मैंने किसी को दे दी, तो मेरे पास कितनी बची 2 बॉल्स, ठीक है, ये मेरे पास बची 2। अब इस तरह से देखिए, जैसे ऊपर 4 है नीचे 2 है, 4 लाइंस खींचेंगे, अब नीचे कितनी डिजिट है 2, तो 4 में से 2 डिजिट लाइन काट देंगे हम, 1 2। अब कितनी लाइंस बची 1 2, तो ये कितना बचा हमारा 2। ओके नेक्स्ट देखिए 6, नीचे कितना है 3, ये साइन किसका है सब्ट्रैक्शन का। चलिए अब देखिए ये कितना है हमारा 6, 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइंस खींचेंगे 6, और कितना माइनस करना है 6 में से 3, 1 2 3, 3 लाइन हम इसमें से कट कर देंगे, तो कितनी लाइंस बची 1 2 3, हमारे पास 3 बचा, ठीक है। अब देखिए 3 और ये हमारा 1 और ये साइन है हमारा माइनस का, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। तो ये ऊपर कितनी लाइन खींचनी है हमें 3, 1 2 3, और कितना कट करना है 1। अब हमारे पास कितना बचा 1 2, तो यहाँ कितना लिखेंगे बच्चों 2। ओके अब देखिए जैसे 5 है, 5 में से कितना माइनस करना है हमें 2, ये साइन देखिएगा, ये साइन है माइनस का, काटना, ठीक है। ये देखिए कितना है ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे कितना कट करना है 5 में से 2, 1 2, कितनी बची 1 2 3, कितनी लाइंस बची 3। ओके इस तरह से कर रहे हैं। फिर देखिए ये हमारा 7 और नीचे कितना है 0, ये साइन है सब्ट्रैक्शन का। ओके अब कैसे करेंगे इसे, यहाँ पर 7 है नीचे 0 है, पहले हम 7 लाइंस खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में से 0 जाता है नहीं जाता ना, क्योंकि 0 कुछ नहीं होता, तो कितना होगा हमारा ये 7। ओके एक और देखिएगा, अब देखिए ये मेरे पास कितना है ये 8, नीचे 4, ये साइन है माइनस का। मान लीजिए मेरे पास 2 8 टॉफी है, ठीक है, 1, ये कितनी कैंडी है मेरे पास 2 3, ये मेरे पास कितनी कैंडी है 4, ठीक है,
कितनी कैंडी है बेटा मेरे पास, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडी, ठीक है। कितनी कैंडी है टॉफी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। अब 8 में से हमें कितने, मैंने कितनी कैंडी दूसरे बच्चे को दे दी, जैसे मेरे पास मेरे दो बच्चे हैं, एक बच्चे मेरे पास एक टॉफी है और दो बच्चे हैं, तो उसमें से मैंने 4 टॉफी दूसरे बच्चे को दे दी, तो मैंने दूसरे बच्चे को कितनी टॉफी दी, देखिए 1 2 1 2 3 4 ये टॉफी मैंने एक बच्चे को दे दी। अब दूसरे बच्चे के पास कितनी बची, जो मैंने दूसरे बच्चे को दी है, 1 2 3 4, ठीक है। दोनों में मैंने कितना बांट दिया, 4 4, ठीक है। तो अगर हमारे पास 8 कैंडी है और उसमें से मैंने 4 दूसरे बच्चे को दे दी, तो कितनी बची, 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे कितना आया, 4। तो बेटा ये आज हमारा सब्ट्रैक्शन था, ठीक है। आपको ये अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है सेम एज होमवर्क, सभी को नीट एंड क्लीन वर्क करना है, ठीक है। देखिए सम है 1 2 3 4 5 6, 6 सम दिए मैंने और आपको सेम ऐसे करने हैं अपनी नोटबुक में। ओके बेटा, बाय, सी यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कल्पना मैम, टीचर ऑफ UKG क्लास एट MLP स्कूल राजपुरा। टुडे माई टॉपिक इज साउंड ऑफ ए, साउंड SOUND, साउंड ऑफ ए। बेटा आज मैं आपको साउंड ऑफ ए कराऊंगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी वॉवेल्स, 5 वॉवेल्स। हाउ मेनी वॉवेल्स, 5, AEIOU, 5 वॉवेल्स होते हैं ना, तो आज हम कराएंगे वॉवेल ए, साउंड ऑफ ए। फर्स्ट इज CAT, कैट। देखिए इसमें ए का यूज हो रहा है, CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली, CAT, कैट। RAT, रैट। RAT, रैट। रैट मीन्स चूहा। CAP, कैप। CAP, कैप। कैप मीन्स टोपी। CAP, कैप। HAT, हैट। HAT, हैट। HAT, हैट। देखिए सभी में ए का यूज हो रहा है, ओके बेटा। BAT, बैट। बैट मीन्स बल्ला। BAT, बैट। FAT, फैट। फैट मीन्स मोटा। FAT, फैट। फैट मीन्स मोटा। FAT, फैट। फैट मीन्स मोटा। BAG, बैग। BAG, बैग। जो बैग आप स्कूल ले जाते हो ना, बैग, बस्ता। BAG, बैग। MANGO, मैंगो। MANGO, मैंगो। देखिए इसमें भी ए का यूज हो रहा है, मैंगो मीन्स आम। APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। एप्पल मीन्स सेब। एप्पल मीन्स सेब। FAN, फैन। फैन मीन्स पंखा। फैन मीन्स पंखा। FAN, फैन। फैन मीन्स पंखा। वंस अगेन रिपीट, साउंड ऑफ ए, CAT, कैट। CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। CAT, कैट। RAT, रेट। रेट मीन्स चूहा। RAT, रेट। रेट मीन्स चूहा। CAP, कैप। CAP, कैप। HAT, हैट। HAT, हैट। BAT, बैट। बैट मीन्स बल।
बल्ला, बैट मीन्स बल्ला, और एफ ए टी फैट, फैट मीन्स मोटा, फैट मीन्स मोटा, बी ए जी बैग, बैग मीन्स बस्ता, बी ए जी बैग, मैंगो, एम ए एन जी ओ मैंगो, मैंगो मीन्स आम, ए डबल पी एल ई एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, फैन, एफ ए एन फैन, फैन मीन्स पंखा, बी ए डबल एल बॉल, बॉल मीन्स गेंद, बॉल मीन्स गेंद, बॉल मीन्स गेंद, ओके बेटा, तो सी ए टी कैट, आर ए टी रैट, सी ए पी कैट, एच ए टी हैट, बी ए टी बैट, एफ ए टी फैट, बी ए जी बैग, एम ए एन जी ओ मैंगो, ए डबल पी आई ई एप्पल, एफ ए एन फैन, और बी ए डबल एल बॉल। देखिए आप एक पिक्चर रिड्रॉ करिएगा साउंड ऑफ एगी, ये देखिए ये किस चीज की पिक्चर है, देखिए ये इस तरह से आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें ए का यूज हो रहा है, साउंड ऑफ ए। बताइए पिक्चर किस चीज की है, एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, इसमें किसका यूज हो रहा है, साउंड ऑफ ए का, साउंड ऑफ ए, ओके बेटा। और ये आपको सेम है अपनी इंग्लिश नोटबुक में राइट डाउन करने है नीट एंड क्लीन, ये आपका होमवर्क है और सभी को वर्क कंप्लीट करना है, ओके बेटा, बाय।